हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टाटा स्टडी में। आइए शुरू करते हैं वीडियो। तो इस वीडियो में भारत की प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं के बारे में अध्ययन करेंगे। देखेंगे भारत में पाई जाने वाली प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं कौन कौन सी हैं, और जितने भी आपको इस वीडियो में परियोजनाएँ मिलेंगी वो सभी किसी न किसी एग्जाम में पूछी जा चुकी हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है आज का। पहला क्वेश्चन है, भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर स्थित है? चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, सतलज नदी, ब्यास नदी, दामोदर नदी, चंबल नदी। तो समय को न बर्बाद करते हुए आइए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा क्या दोस्तों, सतलज नदी। भाखड़ा नांगल परियोजना सतलज नदी पर स्थित है। आज देखते हैं इसके एक्सप्लेनेशन। देखिए यहाँ दिखा है, भाखड़ा नांगल परियोजना सतलज नदी पर स्थित है। इस परियोजना से पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान आदि राज्यों को लाभ होता है। बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है कि इस परियोजना से किन किन राज्यों को लाभ होता है। तो इन परियोजना से कौन कौन से राज्यों को लाभ होता है? तो पंजाब को, इस परियोजना से हरियाणा को, राजस्थान को और हिमाचल प्रदेश, चार राज्यों को लाभ होता है। तो ये रहा इस क्वेश्चन संबंधित जानकारी। आइए देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन है, ब्यास परियोजना किस नदी पर स्थित है? चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, ब्यास नदी, ताप्ती नदी, कृष्णा नदी या इनमें से कोई नहीं। तो ब्यास परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो ब्यास परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो यह स्थित है ब्यास नदी पर। ब्यास परियोजना ब्यास नदी पर। आइए देखते हैं इसके एक्सप्लेनेशन क्या है। तो ब्यास परियोजना ब्यास नदी पर स्थित है। इस परियोजना से राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश आदि राज्यों को क्या होता है? लाभ होता है। इस परियोजना का फायदा राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, इन राज्यों को इससे क्या होता है? फायदा होता है। तो ये रहा है इस क्वेश्चन संबंधित इतनी जानकारी। आइए देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, दामोदर नदी घाटी परियोजना किन राज्यों किस नदी पर पाई जाती है? तो दामोदर नदी घाटी परियोजना किस नदी पर पाई जाती है यह क्वेश्चन है। ऑप्शन आपको चार दिए गए हैं, पहला है दामोदर नदी, दूसरा महानदी, तीसरा तुंगभद्रा नदी, चौथा गोदावरी नदी। तो दोस्तों वीडियो को देखते रहिए और अभी छोड़ना मत, अभी आगे बहुत इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चन है तो इसको पूरा देखिए। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा दामोदर नदी। दामोदर नदी घाटी, दामोदर परियोजना दामोदर नदी पर पाई जाती है। इससे किन इससे दो राज्यों को लाभ होता है, कौन कौन? झारखंड पहला राज्य, दूसरा पश्चिम बंगाल। दामोदर नदी घाटी परियोजना का लाभ झारखंड और पश्चिम बंगाल को होता है। आइए देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन क्या है। नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर पाई जाती है? चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, कृष्णा नदी, कोसी नदी, गंडक नदी, मालप्रभा नदी। नागार्जुन सागर परियोजना कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो इस बीड को आप अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। यह परियोजना पाई जाती है किस नदी पर? ऑप्शन इसका ये सही होगा, कृष्णा नदी पर। नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पर पाई जाने वाली परियोजना है। और ये देखिए यहाँ दिया है, नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पर स्थित है। इस परियोजना से आंध्र प्रदेश तथा तेलंगाना राज्य को लाभ होता है। दो राज्यों को लाभ होता है। पूछा जाता है कि बताइए नागार्जुन सागर से परियोजना से किस किन किन राज्यों को लाभ होता है? तो नागार्जुन सागर परियोजना से आंध्र प्रदेश तथा तेलंगाना राज्य को लाभ होता है। ये रहा इसका आंसर। आइए देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना किस नदी पर स्थित है? यह क्वेश्चन है। तो इसका आंसर क्या होगा, इंदिरा गांधी नहर परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो यह स्थित है पंजाब यह स्थित है सतलज नदी पर। यह स्थित है किस नदी पर? सतलज नदी पर स्थित है। और
यह परियोजना राजस्थान, पंजाब तथा हरियाणा राज्यों को क्या करती है, लाभ पहुंचाती है। यह इंदिरा गांधी नहर परियोजना सतलज नदी पर स्थित है। हरियाणा, पंजाब, राजस्थान तीन राज्यों के इससे लाभ होता है। आइए देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, उकाई परियोजना किस नदी पर स्थित है। चार ऑप्शन आपको दिए गए, ताप्ती नदी, गोदावरी नदी, मालप्रभा नदी, तवा नदी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। अभी FCI वॉचमैन का जो एग्जाम हुआ था, FCI वॉचमैन का जो एग्जाम हुआ था 18 में, 18-19 में हुआ था, तो ये परियोजना उसमें भी पूछी जा चुकी है। उकाई परियोजना किस नदी पर स्थित, ये क्वेश्चन आया है। तो ये आया किस नदी पर स्थित है, ये यह स्थित है आपकी ताप्ती नदी पर। उकाई परियोजना किस ताप्ती नदी पर स्थित है, ये को दिया है, उकाई परियोजना ताप्ती नदी पर स्थित है। इस परियोजना से गुजरात को लाभ होता है। इस परियोजना किसका, तो इस परियोजना से गुजरात को लाभ होता है। उकाई परियोजना तो किस राज्य में पाई जाती है, तो गुजरात में पाई जाती है, और लाभ किसको, गुजरात को होता है। नदी कौन सी, ताप्ती नदी। आइए देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन क्या है। तो बस आज के वीडियो में बस इतना ही। एक क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स, आपके क्वेश्चन कमेंट में करने के लिए बता रहे हैं, उसका आप आंसर हमारे कमेंट बॉक्स में बताइए। क्वेश्चन है आपका फरक्का परियोजना, कौन सा क्वेश्चन है आपका, फरक्का परियोजना किस नदी पर पाई जाती है और किस राज्य में पाई जाती है, फरक्का परियोजना। तो ये क्वेश्चन रहा, और इसका आंसर आप हमारे कमेंट बॉक्स में बताइए। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए हमारे यूट्यूब चैनल बने रहे। जय हिंद, जय भारत।